गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिंदी लिटरेचर का चैप्टर नंबर 4 हमारे परिवार में उल्लू नामक पाठ को पढ़ेंगे। ठीक, इसमें लेखक ने अपने एक बचपन का किस्सा शेयर किया है, कहानी शेयर की है, जिसमें उन्होंने उल्लुओं के बारे में बताया है कि उनके परिवार में कैसे एक उल्लू आया और रहने लगा, उससे उनके परिवार का सदस्य बन गया। ठीक, इस कहानी के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। उन्होंने अपने ही जीवन के बारे में अपने बचपन की कहानी को हमसे शेयर किया है। सर्दियों की एक सुबह मुझे और दादाजी को देहरादून वाले घर के बरामदे की सीढ़ियों पर एक छोटा सा चितकबरा उल्लू मिला। जब दादाजी ने उसे उठाया तो एक बार तो उसने अपनी चोंच हिटाई, फिर पानी पीता हुआ मेरे पलंग के नीचे आराम से सो गया। जो रस्किन बॉन्ड थे, इसके लेखक, उनके घर में, उनके एक देहरादून में घर था जिस घर में उनको और दादाजी को एक चितकबरा मीन्स होता है जिसके शरीर पर दाग धब्बे हों, उनको क्या कहते हैं, चितकबरा। छोटा सा उल्लू मिला जो उनके, जब उन्होंने उसे उठाने की कोशिश की, जब आप किसी भी पशु या पक्षी के पास जाएंगे और आप उससे अनजान हैं तो वो अपनी सेफ्टी के लिए आपको या तो थोड़ा सा आक्रमण करेगा या तो वो, अगर पक्षी है तो अपनी चोंच से आपको मारने की कोशिश करेगा। तो जब दादाजी और रस्किन बॉन्ड को उठाने गए तो उन्होंने अपनी चोंच को उनके हाथ पे मारने की कोशिश की, बट जब वो समझ गया कि हमको नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं तब उनसे उन्होंने पानी पिया और पलंग के नीचे, पलंग मीन्स बेड, बिस्तर के नीचे जाके आराम से सो गया। चितकबरे उल्लू आकार में बहुत छोटे होते हैं। देखिए, हर पशु पक्षियों की प्रजातियां कई तरह की होती हैं। तो ये जो चितकबरा सा उल्लू था वो बहुत ही आकार में छोटा होता है और बहुत डरावना नहीं दिखता। जो बड़े उल्लू होते हैं वो थोड़े से भयावह ही, जिनको देखकर डर लगे वैसे लगते हैं, परंतु जो ये छोटा सा चितकबरा उल्लू था ये भयावह, मतलब डरावना नहीं था। और उल्लू अक्सर रात में निकलते हैं क्योंकि उनको रात में चीजें ज्यादा अच्छी दिखाई देती हैं बजाय दिन में, और दिन में ये घर में ही रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि जो अन्य पक्षी होते हैं वो उल्लुओं को अपना दुश्मन मानते हैं और कभी कभी उल्लुओं पर आक्रमण कर देते हैं, इसलिए उल्लू क्या करते हैं, अक्सर दिन में घर में ही रहना पसंद करते हैं और रात में निकलते हैं। हमारा छोटा उल्लू मेरे पलंग के नीचे बहुत खुश था। अगले दिन लगभग उसी स्थान पर एक दूसरा उल्लू मिला। अगले दिन नेक्स्ट डे क्या हुआ कि उनको एक छोटा उल्लू और मिला और उनको तब समझ में आया कि छत पे बारिश की वजह से एक जो घोंसला था वो आधा टूटा मिला, जिसमें दो उल्लू के बच्चे थे। ठीक, उन दोनों उल्लू के बच्चों को एक साथ ले आकर लेखक और उसके दादाजी ने रखा और दोनों को ही खाना भी खिलाया। जब उनकी माँ के पास उनको भेजा गया तो माँ उनको थोड़ा दुलारती रही, कुछ काटती रही और एक छोटा सा चूहा पकड़ के उनके पास रखा। चूहा क्यों? बच्चों, उल्लू को चूहा खाना बहुत पसंद होता है। तो क्या किया उसकी माँ ने, तो दोनों के पास एक छोटा सा चूहा छोड़ आई। फिर ऐसा करके 10 दिन बीत गए। लेखक और उसके दादाजी ने उनको रखा, संभाला और बच्चे थोड़े बड़े हो गए। तो दादाजी और रस्किन बॉन्ड जो लेखक हैं इस चैप्टर के, उन्होंने सोचा कि अब इनको आजाद कर दिया जाए। ठीक, तो उसको आजाद करने के लिए वो बाहर बगीचे में ले गए। जैसे ही उसको पकड़ने चले बच्चों को, वैसे ही जो उनकी माँ थी वो फिर से झपटी कि कहीं ये मेरे बच्चों को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं। लेकिन वो दोनों लोग तेजी से फुर्ती से पीछे हट गए। फुर्ती मतलब तेजी से पीछे हट गए और उन्होंने दूर से देखा कि माँ अपने दोनों बच्चों को बड़ी बड़ी घासों में ले जाकर रख रही हैं। तो लेखक
ठंडा पानी डाला जाता था वो और भी खुश हो जाते थे और कहीं दूर जाकर अपने शरीर को झटक कर पंख को झटक कर पानी अपने आप से हटा कर फिर से वो पानी में खेलने के लिए चले आते थे। ठीक वह दोपहर में आराम करते थे और रात भर वो आजादी से पूरे घर में घूमते थे और उनका प्रिय काम क्या था, झिंगुर। झिंगुर एक प्रकार का कीड़ा होता है बच्चों, क्रिकेट जिसे कहते हैं, उसको पकड़ते थे। ठीक जब मैं अपने बचपन की उन यादों को उन दिनों को याद करता हूँ तो मेरे मन में मेरी दादी की आराम कुर्सी पर बैठी छवि बढ़ती है और उनकी गोद में एक नन्हा संतुष्ट उल्लू की, संतुष्ट मतलब सेटिस्फाई, जिसको ये पता हो कि मुझे यहाँ कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। एक बार जब उनकी दोपहर की झपकी के समय मैं उनके कमरे में गया तो मैंने देखा एक नन्हा उल्लू रेंगता हुआ उनके तकिए के इतने पास आ गया कि उसका सिर दादी के कान के नीचे आ गया था। दादी और नन्हा उल्लू दोनों खर्राटे कर रहे थे, मतलब वो दोनों उल्लू उस परिवार का एक हिस्सा बन चुके थे। बच्चों इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है या लेखक हमको ये बताता है कि हमें पक्षियों के प्रति संवेदना भावना और दया रखनी चाहिए, उनको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी भी जीव जंतुओं को बिना कारण नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बच्चों इस वीडियो के साथ